सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ब्लॉग स्टार्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और अभी हम जा रहे हैं आज मंदिर। बाहर है वो भाई, तो ऐसे बोला गाड़ी में चले जाओ, लेकिन दो तीन जगह जाना है तो कहाँ लेके जाऊंगी, फिर उसको घर पे छोड़ के जाना जरूरी है, तो ऑटो बुलाया अभी, ऑटो में ही जाएंगे। इसकी फर्स्ट ऑटो राइड होगी आज। उसके बाद निकल गए हम लोग घर से, तो मैं जा रहे हैं, मम्मी जा रहे हैं, बड़ी मम्मी और उनकी बिन्नी रोमिका, उनकी बेटी जयश्री और मेरी बेटी सूर्या एंड भाई, और वो लोग हमें वहीं से ज्वाइन करेंगे डायरेक्ट। जो मावड़ी जी का जो मंदिर है, हम मावड़ी जी के मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ वो मंदिर हमारे घर से आई थिंक 4 किलोमीटर के आसपास का है, तो इसलिए ऑटो में जाएंगे। कोई ना झुके जाए तो कोई जरूरी को नहीं। तो गाइस अभी हम आ गए हैं मावड़ा धरवाड़िया जी के, इसके भोग लगा बन के क्या इंगल तो बेसिकली मैं खुद इस मंदिर में है ना पहली बार आई हूँ, क्योंकि पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ मंदिर है। सुना काफ़ी टाइम पहले था कि मंदिर है, लेकिन कभी आना हुआ नहीं। और जैसे मम्मी ने हमारे दोनों बहनियों की भी धोख लगवाई थी, और सो मम्मी ने बोला कि तू और इसके भी धोख लगवाई ले, क्योंकि गले में हमारे जो पहनाते हैं माता जी का, आवड़े माता का, उधमे ससुराल में पहनाते हैं और इधर पीहर में भी पहनाते हैं, तो फिर धोख लगवाई लेते हैं, मंदिर है तो इसलिए। और मुझे यहाँ पता ही था कि यहाँ से प्रसाद है वो लेके नहीं जाते, जो चढ़ा हुआ प्रसाद और मंदिरों से लेते हैं ना, तो मुझे लगा यहाँ से भी लेते हैं, लेकिन बड़ी मम्मी ने बोला नहीं यहाँ से नहीं लेते। कौन के बेंतर भी तो चढ़े चढ़ा दे बार कौन आठ में तो रहे थे खेल वो कौन वो बिना ऊपर किए तो बैठे देख ले थोड़ा सो रात ले वाले अरे छोड़ दियो नहीं फिर अठू ले जाइए फिर छोड़ दे वो ले जय श्री पकड़ दे जय श्री का मतलब कौन देख मैं ले आऊं पहले ये बढ़िया सो रही है। ये मिला कुछ कुछ छोला बाल आके भी तो हमने लगा ली है, और अभी बड़ी मम्मी है वो जैसे उनसे लगवा रहे हैं, तो मैं इसको लेके बैठी। मम्मी को पता नहीं मिट्टी विट्टी भी छटाते हैं, तो वो निकालने के लिए गई है, तो मैं इसका उनकी जो वीडियो बनाने की थी फिर इसको लेके बैठी हुई हूँ। अरे उठ गए आप, उठ गए हाँ करनी है कैमरा मैन सात सात मुट्ठी गाल दे सात तेरे पापा जी मुट्ठी गाल दे सात तेरे पापा ही कौन गाए तो बैठा की गाल लेगा बांगी गाल गया आपकी तो गाल गया मेरी भी गाल हाँ आंग गाल सासरा ही गाल केरवा के मैं बाल मैंने भेजू मेरी मेरी गाल हाँ थर्टी नहीं गाल लियो मेरे सासरा की मैं गाल लूँगा मैं चढ़ाई हूँ छह नहीं ले लूँ क्या चीज़ ले हाँ खड़े ले खोद के लेनी है बाह मन कहेगी गई थे भी गाल लो बाह कह गई थारी अलग गाल लो हाँ तो थारी मैं एक बार तो परिवार और गाली थे दया सिंह गाली थारी गाल ली ए जिन्नी तेरी अभी लागू कोनी बाद में होगी
लेके जाओ, मैं गाल के ले आऊं। तो ये है कि जैसे मेरी फैमिली है उसमें साथ साथ मूर्ति मिट्टी निकाली है, फिर वहाँ ऊपर चढ़ानी है, जैसे मेरे है मिट्टी, मेरी गुड़िया की और सास ससुर की भी। हाँ चढ़ा दे, बस तुम तो भजन ना पड़ जाएगी। चढ़ा दे, तो यहाँ पे है वो भोग का प्रसाद बना हुआ था। और ऐसा होता कि जिसे उन्होंने बोला था कि प्रसाद खा के जाना, तो प्रसाद को मना नहीं कर सकते। सो हम लोग प्रसाद खा रहे थे, रोमिका का फास्ट था तो वो खा नहीं सकती थी, तो वो फोटो क्लिक करवा रही थी। उसके बाद दया वीरेंद्र ने खाया था। नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, अरे नहीं खाएगा, 12 करोड़ लग जाएगा पकड़ने के, ध्यान रख जो रोड़े लग गई। मंदिर में हाँ खुल रहा जाओ। एंड वहाँ से धूप लगाने के बाद हम आगे थे करणी माता के मंदिर में, क्योंकि सूर्य की यहाँ पे भी धूप लगवानी थी, क्योंकि माता जी का ही आशीर्वाद से मुझे ये मिली है। सो यहाँ पे भी इसकी पूजा करवानी थी छोटी सी, और सो इसको यहाँ पे भी लेके आ गए। सो उसके बाद में क्या है, पापा इसी मंदिर में देख रेख करते हैं, तो पंडित जी ने अच्छे से इसकी माता जी की धूप फिर से लगवाई और अपनी तरफ से इसको थोड़े पैसे भी दिए थे, क्योंकि दुविधा लगी इसलिए। एंड उसके बाद में हम है जो हनुमान जी के मंदिर में भी आए थे धूप लगाने के लिए। एक्चुअली मम्मी को एक दिन का सपना आया कि मम्मी को हनुमान जी दिखे और बोले मेरे तो धूप लगवाई नहीं अभी तक, तो फिर एक साथ ही लगवानी तो थी, तो फिर हम हनुमान जी के मंदिर में भी इसकी धूप लगवाने आ गए। सो उसके बाद में हम लोग बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहे, क्योंकि ऑब्वियसली आप मंदिर वगैरह ऐसी जगह पे जाते हो तो आपको वहाँ थोड़ी देर बैठना चाहिए हर मंदिर में। सो वहाँ बैठ गए और ये बहुत कंटिन्यू हुआ ना, हनुमान जी की मूर्ति को ना देखी जा रही थी। वहाँ और भी कान्हा जी का भी मंदिर था, सबकी पूजा की, शिव जी की भी पूजा की। सो मंदिर से आने के बाद में मेरे को टाइम ही नहीं मिला था, और सूर्या वो रास्ते में वापस आते टाइम सो गई थी, उसको घर आते ही सुलाया था और मैंने खाना खाया था, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी, सुबह से कुछ ही नहीं खाया था, खाना ही खा रही थी कि वो उठ गई और खाना जो बीच में रह गया, फिर उसको सुलाया है मैंने। एंड उसके बाद में थोड़ा एडिटिंग का काम था इंस्टाग्राम से रिलेटेड, वो फिनिश किया मैंने। अब सोचे थे ब्लॉग एडिट करूँ, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, तो थोड़ी सी देर मैंने रेस्ट किया था बस, वो जब मैं एडिटिंग का काम कर रही थी उसी टाइम में। एंड अभी है जो मतलब ये इसका कुछ फोटो शूट करना है इंस्टाग्राम का सूर्या का ही, तो उसके लिए मुझे कुछ सामान लेके आना पास ही की एक शॉप से, तो मैं वो लेने जा रही हूँ वापस आके। तो ये सो रही है, फिर वापस इसको दूध वूध पिला के ये फ्रेश हो जाएगी, थोड़ा खेलेगी तो उस मूड में ना फोटो भी अच्छी आएगी। बच्चे की फोटो क्लिक ना बहुत बड़ा टास्क है एक माँ बाप के लिए, तो बहुत बड़ा मतलब एक मदर के लिए, क्योंकि फादर के पास इतना टाइम कहाँ होता है वो बच्चे की शूट करे। एटलीस्ट मेरा वाला पति तो ऐसा है नहीं, तो उसका फोटो शूट करूंगी, और बहुत मुश्किल है मेरी वाली बेटी का फोटो शूट करना, बहुत मुश्किल है। इसे मैं ज्यादा ताम झाम या ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, उसमें टाइम निकल जाता है, तो बड़ा सिंपल से आइडियाज मैं रखती हूँ, बस उसकी सुंदर सी अच्छी सी क्यूट सी फोटो आ जाए। ज्यादा कपड़ों वपड़ों का भी मैं उसके लिए बड़े सिंपल से अभी उसने जो पहन रखा है उसी में क्लिक करूंगी, क्योंकि क्या यार मेरी बेटी को ना बहुत इरिटेटिंग है वो, मतलब उसको कंफर्ट जोन है उसको बहुत ज्यादा है, उसको बस ज्यादा परेशान मत करो और ऐसे सिंपल से रखो जो ज्यादा खुश रहती है, तो
तो उसी का बस वही है। और बस मैं भी जाऊंगी, हेड वॉश किया था बहुत दिन से रह रहा था, क्योंकि जब भी वॉश करने का सोचती हूँ ना तो ऐसा डे आ जाता है फिर रह ही जाता है। आज फिर मैंने कर लिया, और देखो मैंने बाल इतने करवाए थे जब ये मैं प्रेग्नेंट थी, और इतने दिनों में इतने बढ़ गए हैं बाल, बहुत जल्दी ग्रोथ होती है, और इसके साथ कैरी करना इतना मुश्किल हो जाता है। इतने रखूंगी, ये थोड़े और कट करवाऊंगी, थोड़े से बढ़ जाए। सो अभी जा रही हूँ मैं पास की शॉप से इसके लिए कुछ सामान लेने के लिए, ताकि आते ही इसका वो फोटोशूट है कंप्लीट कर दूँ आज ही, और ब्लॉग भी एडिट करना है मुझे एक, ये वाला आएगा तब तक शायद आप वो देख चुके होंगे कैसा लगा, और जो हमारी पागलपन थी उसका। बहुत ही सिंपल सा थीम रखा था मैंने इसकी फ़ोटो सेशन के लिए, क्योंकि इसकी फ़ोटो क्लिक करना बहुत मुश्किल है, बहुत कम मुश्किल से थी क्यूट सी फ़ोटो मिली। ऐसी हालत हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है और आज है अष्टमी। आप सभी को अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं, ब्लॉग आएगा तब तक तो अष्टमी है जो जा चुकी होंगी। सो मेरी गुड़िया की पहले नवरात्र है और ये फर्स्ट बार है जिसके जीमने का है, लेकिन अभी ये जीम नहीं सकते क्योंकि अभी 6 मंथ की नहीं हुई, तो भूख भूख तो नहीं लगेगा इसके, लेकिन ये कन्या में शामिल हो रही है, मतलब बड़ी मम्मी ने इनविटेशन दिया है इसको, इसके साथ साथ हमें भी, हम बड़ी कन्या हैं, बड़ी माता हैं। सो अभी वहाँ जाऊंगी, और अभी गई थी मैं अपना सूट देने के लिए, सूट स्टिच करवाया था, लेकिन जैसा मैंने सोचा वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने सोचा फिर एक दो तो पहन सिलवा लेती हूँ घर पहनने के, जाते ही तो टेलर के पास क्या जाऊंगी, कब तक जाया जाएगा। कुछ मैंने कुर्ती स्टिच करवाई है, वो भी ऑलमोस्ट 3-4 हो चुके हैं, 2-4 और बची हैं। सो वो मैं कल देख गई थी, वो भी 2-4 दिन में देंगी, और इसके पापा आने की डेट है जो फाइनल ही नहीं कर रहे गाइस। मैं नहीं, मैं ऐसा बोली कब जाएगी, जितने लोगों को पता है कि ब्लॉग तो कब का डाल दिया ससुराल जाने की तैयारी का, और अभी तक नहीं गई है। सो मैं उनको सबको बता दूं, हमारे पति देव ही आने में लेट कर रहे हैं, मुहूर्त निकालने के लिए बैठे हैं, पता नहीं क्या है। सो उस वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, और आज है अष्टमी, और ये जाएगी झीमने के लिए, लेकिन अभी ये सो गई है, मैं जाऊंगी भी नहाने के लिए, और उसके बाद ये उठेगी तो इसको नहलाएंगे। आज पहली अष्टमी होगी हमारी बिट्टू की, बिट्टू आराम से बढ़िया घोड़े बेच के सो रही है अभी, हच रही है थोड़ा थोड़ा से, पंखा हो गया तेज। और पता है इसकी एक हैबिट है, फैन थोड़ा तेज हो गया, इसकी एक हैबिट है, ये जब भी सोती है ना रात को दिन में ऐसे ना ऐसे थोड़ा सा से आंख खोल के देखेगी भी सामने है मेरे आसपास है, अगर इसको नहीं मिलता फिर तो जोर से रोएगी ना, हद नहीं। तो इसके पास ना एनी टाइम, एक सेकंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ते। अभी तक 3 मंथ हो गए, जी मम्मी रहे, मैं रहूँ, रितु रहे, या भाई हो, कोई भी हो, पापा हो, किसी ना किसी को छोड़ते हैं जरूर, एक सेकंड के लिए भी उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो ये मैं जब तक ढाक के आऊंगी थोड़ी देर ये अपनी नींद ले लेगी, ताकि फिर रोएगी नहीं, नहलाएंगे फिर। इधर देखो गाइस, गाइस नानीचा को बाय कर दो, ये हमारे मुझे ले बाय, इन बात नहीं बाय, लगी है अच्छा जयश्री, क्या हुआ, चला तो देखो गाइस आ जाओ, नहीं तो ये सुबह मैं टाल कर दूंगी, शाम में दिया था कपड़ा, हेलो यहाँ ये झूमर से खुश हो रही है। सो ये कन्या पूजन के लिए तो ऑफिस इसको कुछ कुछ खाना बनना तो पड़ेगा, लेकिन अभी ये 6 मंथ की हुई नहीं है तो इसको कुछ खिला तो सकते ही नहीं, तो दूध का है वो माता जी के भोग लगा दिया, और वो थोड़ा सा दूध है इसको पिला दिया एज ए भोग के रूप में, ताकि इनका भी कन्या पूजन हो पूरा हो जाए। देख रहा है बच्चा।
बस 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 कोई नहीं बाबू बाबू दिल हाँ रख ले कोई नहीं कोई नहीं हाँ कोई नहीं तेरे हिसाब रख दे रख दे थैंक यू जयश्री जीजा एक थैली दे दो कोई छंडो कन्ना पूजन हो गया बिट्टू का बिट्टू की छुंदर छुंदर ड्रेस सी है थैंक यू बोलो मम्मी चा को मम्मी चा को थैंक यू बोलो बोलो खुश हो गया थैली में गाल दे सामान जब हम खाना खाने गए थे तब दया था नहीं तो वो गन्ने का जूस लेके आया था तो उसने फ़ोन करके वापस बुलाया वहाँ जाते ही उसने मेरे को बोला कि जीजू साहब कब लेने आ रहे हैं देखो तो मैंने बोला एक काम कर तू खुद ही फ़ोन करके उनको पूछ ले कि कब आ रहे हैं दरवाजो नहीं पुलिया अच्छा वो एंट्री गेट है ठीक है मैं थाने बता दिखू मैं छतरी लेके नहीं एक बात हो रहेगी रुको एक बात हो रहेगी एक बात हो अब दूसरा फोन हो जो दो आठ बैठे अजी थाने कितना फोन करना पड़ा 11:21 से कितना करना पड़ा 51:33 फोन एक बार और क्या हो रहा है आ दे आ राजी हो रही है